हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 को लेकर लोगों के बीच काफी क्रेज बना हुआ था। लोग इस फिल्म के लिए काफी टाइम से एक्साइटेड थे। वहीं आज ये फिल्म फाइनली रिलीज हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म का डायरेक्शन फरहाद सामजी ने किया है। ये एक मल्टी पीरियड ड्रामा फिल्म है। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, इतिहास दोहराता है, जो कि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए फिल्म में दिखाई गई हिस्ट्री की मिस्ट्री से आपको रूबरू कराते हैं। फिल्म की कहानी 1419 से लेकर 2019 तक की दिखाई गई है, जहां अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृतिक सनन, कृतिक हरबंदा और पूजा हेगड़े का पुनर्जन्म दिखाया गया है। 600 साल बाद एक बार फिर इन जोड़ियों की शादी होती है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब इनके पार्टनर्स आपस में ही बदल जाते हैं, जिसके बाद शुरू होता है कॉमेडी, ड्रामा और कन्फ्यूजन। अब इस कन्फ्यूजन में आपको मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन एक्चुअल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बता दें कि फिल्म में अक्षय बाला और हैरी के किरदार में दिखेंगे, वहीं रितेश देशमुख बांगड़ू महाराज और रॉय, बॉबी देओल धर्मपुत्र और मैक्स, कृति सनन बनेंगी राजकुमारी मधु और कृति, पूजा हेगड़े होंगी माला और पूजा, वहीं कृतिक हरबंदा होंगी राजकुमारी मीरा और नेहा के किरदार में। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म की कॉमिक टाइमिंग, फिल्म के डायलॉग्स सब एकदम लाजवाब हैं। फिल्म का डायरेक्शन और इसका प्रोडक्शन लेवल भी परफेक्ट है। वहीं रितेश देशमुख और कृति सनन ने इस कॉमेडी फिल्म में इमोशनल सीन्स का जो तड़का लगाया है, उसकी भी काफ़ी तारीफ हुई है। वहीं अक्षय की एक्टिंग तो हर बार की तरह ज़बरदस्त है, और सबसे ख़ास बात कि फिल्म का बाला सॉन्ग, ये गाना जब से रिलीज हुआ है तभी से लोगों के जुबान पर छाया हुआ है। बाला ओ बाला, बाला ओ बाला, बाला ओ बाला। वहीं सोशल मीडिया पर भी अक्षय का बाला चैलेंज काफी वायरल होता दिखाई दिया है। इसके अलावा फिल्म के डायलॉग्स भी एक से बढ़कर एक हैं। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप अक्षय के फैन हैं और कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर एक फिल्म देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को 4 स्टार्स मिले हैं। बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर जाएगी। हाउसफुल 1, 2, 3 से ये बेटर लगा? हाँ, ये और अच्छी है। और सबके परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे ज्यादा अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस अच्छी। गाने के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पहले ही हिट हो चुके, आपको कौन से गाना पसंद है? एक चुम्मा। हाँ, ऑटो 5 स्टार कितने दोगे आप? 5। थैंक यू सो मच। और अब दोनों साथ में आ जाओ। हाँ, सो कैसी मूवी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी बनाया है अक्षय कुमार। माइंड ब्लोइंग काम है, काफी अच्छा काम किया है अक्षय कुमार ने। स्टोरी पसंद आई आपको? स्टोरी काफी अच्छी है, काफी अच्छी स्टोरी है। पुनर्जन्म की 3 से ज्यादा बेटर कौन सा लगा आपको? हां, ये काफी सबसे 4 लगा। ये काफी अच्छा, सबसे अच्छा लगा। गाने बहुत अच्छे, सबसे अच्छे है, स्टोरी अच्छा है, सब कंटेंट अच्छा है। ओके, आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे? 4 स्टार। थैंक यू। ओके, तो हाउसफुल 4 देखिए, आपने कैसी लगी? आप तो बहुत बहुत अच्छी। ओके, कॉमेडी टाइमिंग की बात करें तो कॉमेडी सबसे ज्यादा किसकी अच्छी लगी? अक्षय कुमार अक्षय और रितेश। हां, ओके। वन थिंग जो बहुत ही अच्छी लगी आपको मूवी में, ऐसी कौन सी चीज है? वो तलवार का गाना और वो तलवार वाला एक सीन आता है वो। हां, ओके। 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 5 आउट ऑफ 5 स्टार। सॉरी, सो कैसी लगी मूवी आपको? मूवी एकदम हाउसफुल है, एक नंबर मुंबई की भाषा में, और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। आप सब इंजॉय कर सकते हैं घर पे, अगर आपकी फैमिली है आप लेके जाइए, क्योंकि अभी बहुत सारी छुट्टियाँ हैं तो इंजॉय कीजिए। मतलब स्टोरी पसंद आई आपको? या आई लाइक द स्टोरी, पंचेस, डायलॉग्स, कॉमेडी, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, सब सही जगह पे है। मतलब एक परफेक्ट डिश है ये कॉमेडी फिल्म की, जो होनी चाहिए और बार बार देख सकते हो। बेस्ट पार्ट बहुत सारे एक्चुअली बेस्ट पार्ट्स हैं, बट अक्षय कुमार के जितने सीन्स हैं, जब भी वो डायलॉग बोल रहे हैं, वो बहुत बहुत अमेजिंग। अक्षय कुमार के अलावा और कौन पसंद आया आपको? अक्षय कुमार के अलावा अक्षय कुमार। सो कितनी एंटरटेनिंग लगी आपको? बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। अगर आप सबसे बोल रहे हो, आप अगर नहीं देखे, आप सब भी देखे आइए। थैंक यू। हाउसफुल 4 बहुत ही एंटरटेनिंग है। मैं पकड़ लेती हूँ। हाउसफुल 4 बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग पिक्चर है,
दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाइए कृपया करके, बिल्कुल आउट एंड आउट कॉमेडी है, आपको बहुत मज़ा आएगा, कभी बोर नहीं करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कुछ ऐसे सोचे कि कुछ बोरियत हो रही है या कुछ अजीब है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया आपको? सबसे ज्यादा मुझे अक्षय सर पसंद आए थे। अक्षय जी के अलावा और भी बहुत बड़ी स्टार कास्ट है और एक्चुअली सबने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है, जैसे राणा सर ने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है अपना, बिल्कुल अक्षय की तरह कैरेक्टर पकड़ा रखा है, इनफैक्ट सबने ही रितेश देशमुख वॉज ऑसम, सो बॉबी देओल वॉज ऑल्सो गुड एंड अच्छा लगा उनको ऐसे देख कर वापस, और अक्षय सर इतने टाइम बाद आए हैं कॉमेडी लेकर, तो मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से भी ऊंचा कुछ मिल गया है मुझे कि हाँ ठीक है, मेरे को एक्सपेक्टेशंस फुलफिल सैटिस्फाइड एकदम हो गई है। व्हाट अबाउट नवाजुद्दीन? नवाजुद्दीन वो लुकिंग सो क्यूट डांसिंग ऑन दैट सॉन्ग एंड उन्होंने भी कैरेक्टर, क्योंकि वो आपको फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि उनका भी एक डुअल पर्सनैलिटी का है, तो वो भी उन्होंने पकड़े रखा बहुत अच्छे से एंड नवाज का पार्ट वाज वेरी गुड। ओके, तो गाना पसंद आया आपको इस फिल्म में? हाँ, मेरे को बाला, ऑफ कोर्स बाला अब सबका फेवरेट था और अब भी है, और मेरे को एक चुम्मा भी अच्छा लगा, एक चुम्मा एंड नवाज वाला सॉन्ग वाज आल्सो गुड, भूत वाला। सो हाउसफुल 1, 2, 3, 4 में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा पसंद आया? आई गेस मेरे को सबसे पहले हाउसफुल 1 पसंद आई थी, 2 वाज ओके, 3 मैंने देखी नहीं, सॉरी, बट 4 ऑफकोर्स कोई मेरे से अभी भी पूछ रहा है कि कितने स्टार्स, तो मैं अभी भी बोल देती हूँ 20, 20, 5 के कोई लेना देना नहीं है उससे, आउट ऑफ 5 इट्स 20। Did you think it's a full पैसा वसूल मूवी आपके लिए? हाँ, आप दोबारा आएंगे? बिल्कुल, मैं और मेरे दोस्त यही डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारा हो चुका है इंटरवल तक ही पैसा वसूल हो चुका है, इंटरवल के बाद भी वो बोर नहीं करता है आपको, इट वॉज सो गुड। आउट ऑफ 5 स्टार्स 20। सो आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर ये कितना कमाएगी? अगर लोग दिमाग नहीं लगाएंगे तो बहुत अच्छा कमाएगी, इट्स आउट एंड आउट कॉमेडी, बहुत एंटरटेनिंग। सबसे ज्यादा अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस अच्छी। गाने के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पहले ही हिट हो चुके, आपको कौन से गाना पसंद है? एक चुम्मा। हाँ, ऑटो 5 स्टार कितने दोगे आप? 5। थैंक यू सो मच। अब दोनों साथ में आ जाओ। हाँ, सो कैसी मूवी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी बनाया है अक्षय कुमार, माइंड ब्लोइंग काम है, काफी अच्छा काम किया अक्षय कुमार ने। स्टोरी पसंद आई आपको? स्टोरी काफी अच्छी है, काफी अच्छी स्टोरी है। पुनर्जन्म 3 से ज्यादा बेटर कौन सा लगा आपको? हाँ, ये काफी सबसे 4 लगा, ये काफी अच्छा, सबसे अच्छा लगा, गाने बहुत सबसे अच्छे है, स्टोरी अच्छा है, सब कंटेंट अच्छा है। ओके, ऑटो 5 कितने स्टार हो गया? 4 स्टार। ओके, तो हाउसफुल 4 देखिए, आपने कैसी लगी आप? तो बहुत अच्छी। ओके, कॉमेडी टाइमिंग की बात करें तो कॉमेडी सबसे ज्यादा किसकी अच्छी लगी? अक्षय कुमार अक्षय और रितेश। ओके, वन थिंग जो बहुत ही अच्छी लगी आपको मूवी में, ऐसी कौन सी चीज है? वो तलवार का गाना और वो तलवार, शाही तलवार वाला एक सीन आता है वो। ओके, 5 out of 5 कितना स्टार देना चाहिए? 5 out of 5 स्टार। कैसी लगी मूवी आपको? मूवी एकदम हाउसफुल है, एक नंबर मुंबई की भाषा में, और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है, आप सब इंजॉय कर सकते हैं घर पे, अगर आपकी फैमिली है आप लेके जाइए, क्योंकि अभी बहुत सारी छुट्टियाँ हैं तो इंजॉय कीजिए। मतलब स्टोरी पसंद आई आपको? या आई लाइक द स्टोरी, पंचेस, डायलॉग्स, कॉमेडी परफॉर्मेंस, एवरीथिंग सब सही जगह पे है, मतलब एक परफेक्ट डिश है ये कॉमेडी फिल्म की, जो होनी चाहिए और बार बार देख सकते हो। बेस्ट पार्ट बहुत सारे एक्चुअली बेस्ट पार्ट्स हैं, बट अक्षय कुमार के जितने सीन्स हैं, जब भी वो डायलॉग बोल रहे हैं वो बहुत बहुत अमेजिंग। अक्षय कुमार के अलावा और कौन पसंद आया आपको? अक्षय कुमार के अलावा अक्षय कुमार। सो कितनी एंटरटेनिंग लगी आपको? बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, अगर आप सबसे बोल रहे हो, आप अगर नहीं देखे आप सब भी देखे आइए। हाउसफुल 4 बहुत ही एंटरटेनिंग है, मैं पकड़ लेती हूँ। हाउसफुल 4 बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग पिक्चर है,
दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाइए कृपया करके, बिल्कुल आउट एंड आउट कॉमेडी है, आपको बहुत मज़ा आएगा, कभी बोर नहीं करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कुछ ऐसे सोचे कि कुछ बोरियत हो रही है या कुछ अजीब है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया आपको? सबसे ज्यादा मुझे अक्षय सर पसंद आए थे। अक्षय जी के अलावा और भी बहुत बड़ी स्टार कास्ट है और एक्चुअली सबने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है, जैसे राणा सर ने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है अपना, बिल्कुल अक्षय की तरह कैरेक्टर पकड़ा रखा है, इनफैक्ट सबने ही रितेश देशमुख वॉज ऑसम, सो बॉबी देओल वॉज ऑल्सो गुड एंड अच्छा लगा उनको ऐसे देख कर वापस, और अक्षय सर इतने टाइम बाद आए हैं कॉमेडी लेकर, तो मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से भी ऊंचा कुछ मिल गया है मुझे कि हाँ ठीक है, मेरे को एक्सपेक्टेशन फुलफिल सेटिस्फाइड एकदम हो गई है। व्हाट अबाउट नवाजुद्दीन? नवाजुद्दीन वाज लुकिंग सो क्यूट डांसिंग ऑन दैट सॉन्ग एंड उन्होंने भी कैरेक्टर, क्योंकि वो आपको फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि उनका भी एक डुअल पर्सनैलिटी का है, तो वो भी उन्होंने पकड़े रखा बहुत अच्छे से एंड नवाज का पार्ट वाज वेरी गुड। ओके, तो गाना पसंद आया आपको इस फिल्म में? हाँ, मेरे को बाला, ऑफ कोर्स बाला अब सबका फेवरेट था और अब भी है, और मेरे को एक चुम्मा भी अच्छा लगा, एक चुम्मा एंड नवाज वाला सॉन्ग वाज आल्सो गुड, भूत वाला। सो हाउसफुल 1, 2, 3, 4 में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा पसंद आया? आई गेस मेरे को सबसे पहले हाउसफुल 1 पसंद आई थी, 2 वाज ओके, 3 मैंने देखी नहीं, सॉरी, बट 4 ऑफ कोर्स कोई मेरे से अभी भी पूछ रहा है कि कितने स्टार्स, तो मैं अभी भी बोल देती हूँ 20, 20, 5 के कोई लेना देना नहीं है उससे, आउट ऑफ 5 इट्स 20। Did you think it's a full पैसा वसूल मूवी आपके लिए? हाँ, आप दोबारा आएंगे? बिल्कुल, मैं और मेरा दोस्त यही डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारा हो चुका है इंटरवल तक ही पैसा वसूल हो चुका है, इंटरवल के बाद भी वो बोर नहीं करता है आपको, इट वॉज सो गुड। आउट ऑफ 5 स्टार्स 20। सो आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर ये कितना कमाएगी? अगर लोग दिमाग नहीं लगाएंगे तो बहुत अच्छा कमाएगी, इट्स आउट एंड आउट कॉमेडी, बहुत एंटरटेनिंग।